It's not to Islam people. The Nabi, Muqaddas Bayana, Mother Al Bain Sahib, Sinti Lokha Sati, its church to in charge, Bhagat Sadiq Sahib, Pyari Beti, और उसके साथ इस चर्च के लिए हेडमैन का काम सारे अनुदान देने वाले तमाम पुरस्कार तमाम उस्ताद पाकिस्तान मुस्लिम लीडर पार्टी की तरफ से मेरे खानदान की तरफ से आपके चर्च की ये सालगिरह सारी चीजों को मुबारक। मैं समझता हूं कि हमारे लिए बड़ा अजीब वक्त है कि हमने फिर से अपने इस आयतन को भाग दिया ताकि उसके नाम की मदाजाई हो और लोग जो भगवान की कुदरत में आना चाहते हैं वो इस हाइकल की वसादत से भगवान की कुदरत में आ सके। मैं समझता हूं कि आप सब बात भी जानते हैं कि पाकिस्तान में मसीह ईसा इस वक्त सख्त मुश्किलात का शिकार है। ना सिर्फ साले गड़ा वाला पेश आया उसके अलावा मुल्क भारती कोई बस्ती कोई महाजा कोई टाउन ऐसा नहीं जहां पर आज भी फौज की फजा ताई नहीं, क्योंकि गुजरे हुए दिनों में हफ्तों में मुल्क भर में सारा झड़ा वाला केवल होने के बाद यहां पर 25,000 चेहर को जला दिया गया, सैकड़ों घरों को रूप दिया गया, आग लगाई गई। उसके बाद किस तरह से जूलियावाला ने ऐलान हुए मसीह जो है वो अपने घरों को छोड़कर जो है मजबूरन अपने घर भागने का लिए चले गए। उसके बाद कांग्रेस हमारा फैसलाबाद में ऐसा ही वादा पेश आया, इस्लामाबाद में पूरी बस्ती पूरा गांव जो है वो खौफ की वजह से मसीहों को खाली करना पड़ा। रात पता नहीं उन्होंने किस किस हालत में बुलाई, सही भाव में इन भाई खौफ की कश्मीर में भी ऐसी फजा क्रिएट करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं कि पूरा मुल्क कराची से एक एक घर जो है वो भिजा है या भरा है, सब बहुत भरा है और अफसोस कि हम इंडिया में कौन से नहीं, हम अपने ही उस मुल्क में बहुत ज्यादा है जिस मुल्क को बनाने के लिए संवारने के लिए मैंने मेरे बुजुर्गों ने आपने और आपके बुजुर्गों ने इंतहाई मुशक्कत उठाई। लेकिन अफसोस
कि आज उस फल पे ही हम अपने तहफ्फुज़ का शिकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल 16 सितंबर एक महीना हो गया था वफा धर्म वाला सानिया को पेश आए। हमारा हुआ सात रोज बाद तो फिर
बजाय कि उसे प्रकट किया जाता उसकी हाल की जाती, रियासत में अपने असल रसूख से, रियासत में अपने अख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए मेडिकल ऑफिसर से उसके जख्म को वो जात का जख्म जो है वो तहरीर करवाया और फिर सात रोज पहले पेश आने वाला जज के साथ जो आता था उसको भी वो जात का डिक्लेयर किया सात रोज बाद। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। जब सात रोज पहले एफआईआर खत्म हुई अगर वो खुद साफ का था तो बासुरी को पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मैं आज पीएमआर के चल पुलिस की मसालत से पूरी गुरु को यह बताना चाहता हूं कि बासुरी जो है वो बेगुनाह है, वो मजलूम है, सब लोग उसके लिए दुआ करें और उनके साथ करें। अब ये बहुत बड़ी शरारत है इस सियासत की कि वो हमें गद्दार ढेर करने पर खुली हुई है कि हम खुद साबका भूले मेल करके रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए अगर आज मसीह कौम जो है वो कमोल गई तो याद रखना फिर दिन दहाड़े हमारी बेटियों को नुकसान पहुंचे, हमारे बेटों को नुकसान पहुंचे, हमारे बुजुर्गों को नुकसान पहुंचे, हमारे चर्चेस को नुकसान पहुंचे तो ये आम कहेंगे कि ये सब कुछ जो है हमने अपने मफाद के लिए खुद साथ का जो है जाहिर किया। ये हर हुकूमत को खुद साथ का जाहिर करके मसीह कौम पर जुल्म का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। मेरी कौम से ये दरख्वास्त है कि सब नौजवान सोशल मीडिया पर आ जाए और बासुरी का जो है वो दफा करें, खास तौर पर मसीह कलीसियाई खादिम जो है उनके लिए जरूरी है कि वो अपने साथी खादिम के लिए मुर्हिद हो और उसके दफा और उस पर होने वाले जुल्म जबर के लिए आवाज बुलंद करें। खुदा आप सबका आमीन और मददगार हो।